अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में शुरू किया हुआ था मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स का हमने ट्रेंड कर लिया था इनटू ग्रुप पीरियड्स। अब हमने इसका ट्रेंड करना है इन ग्रुप। अब ग्रुप में हमने बस यहाँ पे जो आपके स्लेबाई में है जस्ट टू ग्रुप डिस्कस किए हुए हैं। इसमें एस ब्लॉक है, तो एस ब्लॉक में दो ग्रुप आ जाएंगे। नंबर एक पे आ जाएगा फर्स्ट ए और उसके बाद आ जाएगा सेकंड ए। दो तो ये ग्रुप डिस्कस किए हुए हैं, और इसके बाद हम बात करेंगे हैलोजन्स को। हैलोजन्स को हम नाम दे देंगे ग्रुप सेवंथ ए का। तो ये हमने दो ग्रुप यहाँ पे आज स्टडी करने हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट्स, तो एस ब्लॉक में इस तरह के मैंने अभी जिक्र किया है कि इसके अंदर दो ग्रुप आ जाएंगे फर्स्ट ए एंड सेकंड ए। तो इन ग्रुप में क्या होता है, इन ग्रुप में ये होता है कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप फॉर द फर्स्ट ए एंड सेकंड ए। या आप इसको ये समझोगे कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स इन ग्रुप के अंदर डाउन द ग्रुप क्या होते हैं, कम हो जाते हैं। अब वो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स कम क्यों होते हैं, तो उसकी दो वजह है। नंबर एक है कि साइज क्या करता है, वो इंक्रीज कर जाता है। कि जब आपने डाउन द ग्रुप आना है तो एटम का साइज क्या करेगा, उसका साइज इंक्रीज कर जाएगा। मेरी बात समझ आ गई कि जब हमने डाउन द ग्रुप आना है तो साइज उसका इंक्रीज करेगा, और साइज इंक्रीज करते की बुनियाद पे आपके पास जो सेकंड पॉइंट आएगा वो आ जाएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड बैलेंस चाइल्ड, वो क्या करेगी, वो डिक्रीज कर जाएगी। ठीक होगी बात। जब वो फोर्स डिक्रीज कर जाएगी, इजी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, जब वो फोर्स क्या है, वो फोर्स डिक्रीज कर जाएगी, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इजी हो जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इजी हो जाएगा तो उसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। जिस तरह के आप जरा ये देखें, मैं यहाँ पे ये एक ब्लॉक ड्रा कर देता, आपके पास मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का टेबल ड्रा करता हूँ, तो इधर आपके पास ये आता जा रहा है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स तक। यहाँ पे क्या होगा कि फर्स्ट कर लें कि हम बात करते हैं फर्स्ट ए की, तो फर्स्ट ए में उसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। लिथियम, उसके बाद आ जाएगा सोडियम, उसके बाद पोटाशियम, उसके बाद आ जाएगा रुबिडियम। तो यहाँ पे क्या होगा, उसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप कम होते जाएंगे। अब इसके बाद हम आ जाते हैं, इसके बाद जो हमने नेक्स्ट अपना करना है हमारा, वो आ जाएगा फॉर हैलोजन। अब हैलोजन में क्या होता है कि हैलोजन में हमारे पास आते हैं कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। इसमें नंबर एक पे फ्लोरीन है, उसके बाद क्लोरीन है, उसके बाद ब्रोमीन है, उसके बाद कौन सा है, आयोडीन है। अगर हम इन चारों पांचों एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं तो हम कर देंगे कि फ्लोरीन एक गैस है, उसके बाद क्लोरीन भी एक गैस है, ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, और इसके बाद जो आयोडीन है ये होता है सॉलिड स्टेट में। ये किस स्टेट में आ जाएगा, आयोडीन आ जाएगा सॉलिड स्टेट के अंदर। तो ये क्या वजह है कि डाउन द ग्रुप गैस, ऊपर गैस पड़ी हुई है नीचे लेकर उसके बाद वो आ गया सॉलिड में, तो सॉलिड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। यहाँ हमने किया था कि डाउन द ग्रुप मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, लेकिन यहाँ पे ज्यादा होता जा रहा है। तो इसकी वजह क्या है, इसकी वजह जो सबसे बड़ी है वो ये वाली है कि ये जो मॉलिक्यूल है एग्जिस्ट करते हैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में। ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ये एग्जिस्ट करते हैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में। अब डाई एटॉमिक में मसलन के आप बात करोगे F2 है, Cl2 है, Br2 है और I2 है। अब इनमें होता क्या है कि ये सारे के सारे होते हैं नॉन पोलर। क्या होते हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। नॉन पोलर से क्या मुराद है कि जिसके अंदर एक तरह के एटम्स आ जाएंगे। मसलन के आप क्लोरीन की बात कर लें, तो ये क्लोरीन का मैंने यहाँ पे ड्रा कर दिया है Cl2 का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे क्या होता है कि इन दोनों के दरमियान इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है बिटवीन टू क्लोरीन एटम्स। ठीक होगी बात।
तो इस वजह से किसी के ऊपर आने वाला अट्रैक्शन नहीं है इलेक्ट्रॉन की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इसके ऊपर कोई पोलैरिटी क्रिएट नहीं होगी। तो जब यहाँ पे कोई पोलैरिटी नहीं आएगी, इसके मेल्टिंग पॉइंट सॉरी ये क्या होंगे, नॉन पोलर होंगे। अब नॉन पोलर में ना एक फोर्स आती है जिसको आपने दिया था, नाम है लंडन डिस्पर्शन फोर्स। क्या इसको आपने नाम दिया हुआ है? इसको आपने नाम दिया हुआ है लंडन डिस्पर्शन फोर्स का। तो लंडन डिस्पर्शन फोर्स हमेशा होती है नॉन पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान। कहां पे आ जाएगी? नॉन पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान ये फोर्स एग्जिस्ट करती है। आप जरा आप इसकी जरा एक तस्वीर को देखें, तो ये है कि फर्ज कर लें कि हमारे पास एक आयोडीन है, उसके बाद ये दूसरा आयोडीन है। तो जब हम इन दोनों आयोडीन एटम्स को मॉलिक्यूल्स को फर्ज कर लें कि एक ए हमारे पास मॉलिक्यूल है आयोडीन का और ये वाला कौन सा है, बी मॉलिक्यूल है आयोडीन का। तो जब हमने दोनों आयोडीन मॉलिक्यूल्स को पास पास लेके आना है, तो दोनों एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स, ये इसके इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, ये इसके इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। बात समझ आ गई ना? तो जब यहाँ पे फोर्स और रिपल्शन आएगी, तो ए का फर्ज कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक लॉड थोड़ा सा क्या हो गया, वो डिस्टॉर्ट हो गया। ए का इलेक्ट्रॉनिक लॉड क्या हो गया है, हम इसको ये कह लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक लॉड इसका थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो गया। अब यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। कौन सा चार्ज आ गया? एक के ऊपर आ गया पार्शियल नेगेटिव चार्ज, दूसरे के ऊपर आ गया पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब दूसरा मॉलिक्यूल इसके साथ मैं वैसे ही ड्रा कर देता हूं इसके स्फेरिकल फॉर्म में। अब इसके जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है, वो क्या काम करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी जानब अट्रैक्ट करेगा। जब अट्रैक्ट करेगा तो दोनों की शेप में क्या हो जाएगा, इस अट्रैक्शन करने की वजह से दोनों की शेप में तब्दीली आ जाएगी। ठीक होगी बात? दोनों का इलेक्ट्रॉनिक लोड क्या हो जाएगा, वो फैल जाएगा। ठीक होगी बात? दोनों का क्लाउड क्या काम करेगा, वो फैल जाएगा। आप इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड फैलने से दोनों का एक एंड बन गया पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव। तो इन दोनों के दरमियान आ जाएगी ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको आप नाम दे दोगे लंडन डिस्पर्शन फोर्स। ठीक होगी बात? तो ये प्रॉपर्टी होती है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की। अब लंडन डिस्पर्शन फोर्स कब मजबूत आएगी, जब साइज एटम का बड़ा होगा। क्या होगा? जब एटम का साइज बड़ा होगा, मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होगा, वहां पे उसके क्लाउड को फैलाना क्या होगा, इजी होगा। तो जितना क्लाउड को फैलाना इजी होगा, उतना उसके दरमियान लंडन डिस्पर्शन फोर्स भी मजबूत आएगी, क्योंकि वहां पे पोलैरिटी क्रिएट ज्यादा हो जाएगी। लेकिन आप जरा देखें फ्लोरीन को, फ्लोरीन के दोनों आप ये देखो, फ्लोरीन का साइज बहुत स्मॉल होता है, डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है ना, तो ऊपर फ्लोरीन पड़ा, इसका साइज क्या है, सबसे स्मॉल है। तो जहां पे साइज सबसे स्मॉल रह जाएगा, वहां पे क्या होगा, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन मजबूत होगी अपने इलेक्ट्रॉन के ऊपर, और यहाँ पे क्लाउड फैलाना इलेक्ट्रॉन का मुश्किल हो जाएगा। ठीक होगी बात? यानी को फैलेगा ही नहीं, जब वो उसके क्लाउड इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड नहीं फैलेगा, उसके ऊपर क्या आ जाएगा, कोई इनफ्लैटी क्रिएट नहीं होगी। जब उसके ऊपर कोई आरजी तौर पे भी प्लेटी क्रिएट नहीं होगी, फिर उसके दरमियान लंडन डिस्पर्शन फोर्स नहीं बनेगी। ठीक होगी बात? तो यहाँ पे लंडन डिस्पर्शन फोर्स ना होने के बराबर होने की वजह से ये क्या होते हैं, गैसीय स्टेट में होते हैं। लेकिन आयोडीन का साइज सबसे लार्ज है, वहां पे प्लेटी आने के चांस ज्यादा है, तो जब प्लेटी वहां पे ज्यादा जाएगी, वहां पे ये फोर्स भी ज्यादा बनेगी। और जब लंडन डिस्पर्शन फोर्स मजबूत होगी, तो उसके मेल्टिंग का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएंगे। तो क्या है कि हाइड्रोजन के अंदर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। क्यों? क्योंकि साइज एक बढ़ गया है, उसके बाद लंडन डिस्पर्शन फोर्स क्या होगी, वेरी स्ट्रांग हो गई है, और पोलैरिटी क्या हो गई है, ज्यादा हो गई है। ठीक होगी बात? यही पोलैरिटी ज्यादा होने की वजह से हम करेंगे कि आयोडीन सॉलिड फॉर्म में होता है, ब्रोमीन लिक्विड में है, क्लोरीन गैस में है, और फ्लोरीन भी गैसीय स्टेट में है। तो जी स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा काम था वो हमने कर लिया है, लंडन डिस्पर्शन फोर्स कैसे इफेक्ट करती है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर, और फर्स्ट ए और सेकंड ए के अंदर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसे वेरी करते हैं। ठीक होगी बात? नेक्स्ट जो हमारा काम होगा उसमें हम करने जाएंगे ऑक्सीडेशन स्टेट्स।